चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नालासाही नहीं, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिले में लड़खड़ाया स्वास्थ्य व्यवस्था, एम्बुलेंस संचालक गया अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। आज जिले के सभी 102 एम्बुलेंस संचालक वेतन भुगतान, प्रोविजनल फंड भुगतान एवं मेंटेनेंस को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गया है। एम्बुलेंस संचालक का कहना है कि विभाग द्वारा लगातार हम लोगों का शोषण किया जा रहा है, न ही समय पर भुगतान किया जाता है, न ही गाड़ी का मेंटेनेंस किया जाता है, पीएफ देने में भी लापरवाही किया जा रहा है, जिससे संचालक को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जिससे आक्रोशित एम्बुलेंस संचालक ने अनिश्चितकालीन धरना पर जाने का निर्णय लिया है। वहीं संचालक संघ के सचिव सोनू मिश्रा ने बताया कि अधिकारी द्वारा मनमानी ढंग से काम किया जा रहा है और एम्बुलेंस संचालक को लगातार परेशान किया जा रहा है। समय पर गाड़ी में डीजल तक नहीं दिया जाता है, जब तक जिलाधिकारी, सिविल सर्जन या अन्य सीनियर अधिकारी द्वारा वार्ता कर हम लोगों की सभी जायज मांगे नहीं मान ली जाती, तब तक हम लोग हड़ताल पर बैठे रहेंगे। मौके पर विमलेश कुमार, सोनू मिश्रा, राम आशीष महतो, ललित सोनी, रिजवान खान, वीरेंद्र दास, निशांत कुमार, अरमेंद्र कुमार झा, मनोज कुमार यादव, परवेज आलम, तपेश्वर यादव सहित दर्जनों संचालक मौजूद रहे। ये है कि आज तकरीबन अपने जीवन का एक बहुमूल्य समय 10 साल हम लोग इसमें दे चुके हैं और आज के डेट में कंपनी छोटे छोटे बातों पर में हम कर्मियों को निलंबित करके नए कर्मियों की बहाली मोटे रकम लेकर के अपने जेब को भरने के लिए कर रहे हैं। हम लोग आज के डेट में एक अल्प, बहुत ही अल्प वेतन, अल्प पाई वेतन पाने वाले हैं। यहाँ पर मैं आज के डेट में कोई मजदूर को अपने यहाँ हम काम करने के लिए रखते हैं तो 500 रुपया रोज देते हैं, लेकिन आज के डेट में कंपनी हमको 300 रुपया रोज भी नहीं दे रही है। 8 से 9 हजार रुपया का वेतन लगभग हम लोग पा रहे हैं और उसमें भी कटौती करके मनमाने तरीके से कंपनी हम लोगों का वेतन पेमेंट कर रही है। पीएफ का आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखा दूंगा कि 5 साल के दरमियान में लगभग 19 महीने का पीएफ हम लोगों को बिल्कुल काट करके मैंने दिया ही नहीं गया है। 19 महीने का वेतन गायब कर पीएफ गायब कर दिया गया है। आज उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर में बैठे हैं। जब तक हम लोगों के पीएफ को पूरा नहीं किया जाता है, वेतन हम लोगों का क्लियर नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग यहाँ से धरना स्थल से नहीं हटे। धरना में कौन कौन लोग? धरना में हम लोग जिला के सारे कर्मी यहाँ पर में बैठे हुए हैं। यहाँ पर में एम्बुलेंस पर में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन एवं चालक दो पोस्ट है और जिला के सारे कर्मी यहाँ पर में आकर। कितने की संख्या में हैं आप? लगभग 200 की संख्या में हम लोग यहाँ पर में आके बैठे हुए हैं। जिले में टोटल कितने एम्बुलेंस? टोटल 40 एम्बुलेंस यहाँ जिला में अभी कार्य कर रही है और आप देख सकते हैं कि सारी की सारी एम्बुलेंस यहाँ पर में लगी हुई है। एम्बुलेंस है 102 एम्बुलेंस बेसिक से लेकर एडवांस तक। किसके समक्ष धरना दे रहे हैं? कौन कौन सा एम्बुलेंस है? 102 इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी, तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा।